हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये व्लॉग आज मॉर्निंग में क्यों शूट हो रहा है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं एक स्पेशल ट्रिप पर। तो हम लोग जा रहे देखते रहिए। नहीं, अभी तो अंधेरा है पूरा बाहर, और बस हम लोग जाएंगे और आपको मैं अपने साथ रखूंगी, आपको मैं दिखाऊंगी कि हम जो प्लेस पर जाने वाले हैं वो कौन सा प्लेस। अभी बज रहे 7:45। हम लोग एक पार्किंग कॉम्बिनी स्टोर है वहां पर रुके हैं, और मैं एक बार आपको देती हूँ। ये है दिव्यांग भाई, ड्राइवर। ये है जय भाई, कंडक्टर। और ये है नीरू। ये है हमारे चीफ गेस्ट, और ये है उनके बॉडीगार्ड, और ये है हमारे कैमरामैन। धन्नो जी को, ये हमारी धन्नो नहीं है, दिव्यांग भाई की धन्नो है। दिव्यांग भाई की। तो यहाँ हम छोटे से ब्रेक के लिए रुके थे, और पीछे नजारा देखो, पूरे रास्ते इतनी स्नो दिखी है हमें, और इतना मस्त नजारा है। और हम जो सामने वाली कॉम्बिनी है वहाँ पर जाएंगे। सेकंड स्टे के लिए रुके हैं, और यहाँ पर इतनी ज्यादा बर्फ है और इतना मस्त, मेरे पीछे भी आप देख सकते हो। और ये है सामने का नजारा, इतने सारे माउंटेन है यहाँ पर। और ये देखो, हम जहाँ पर है वहां पर भी ऐसे बहुत बर्फ है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. हम तकरीबन 2-3 मिनट तक इस टनल में चल रहे हैं, अभी भी उसका एंड नहीं आया है। हमारी गाड़ी तकरीबन 80-90 पे चल रही है, फिर भी मतलब एक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं ये गोल गोल घूम रहा है कि सीधे सीधे जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रही है। तो मिलते हैं ये टनल के बाद। दोस्तों, हम कब से राह देख रहे हैं कि हम इस टनल से बाहर निकले, लेकिन अभी भी उसका कुछ एंड नहीं आया है। हमने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी है, तकरीबन 100 के ऊपर है, लेकिन माँ अभी भी कुछ मतलब कुछ 6
छेड़ो आप दो जनती ने मित्रों अभी हमें मतलब न्यूज मिली है कि ये टनल जो है 10 किलोमीटर तक तकरीबन है लंबी, तो पता नहीं हम कब बाहर निकलेंगे। अभी कितनी आई थिंक तकरीबन 6-7 किलोमीटर चली होगी हमारी गाड़ी, तो आई थिंक और अभी 3-4 किलोमीटर तक है ये लंबी टनल। हाँ हाँ ये एंड ही है। तो मित्रों हम निकल गए, यो रा ये हम निकल गए बाहर, ब्ला 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 ब्ला। ये बाहर का व्यू, तो अब हम देखते हैं कि सूरज कैसा लगता है दिन में, क्योंकि दिन में ही निकलता है सूरज। वो ये देखो मित्रों, पहुंच गए हैं वो प्लेस ऊपर। मैं आपको प्लेस का नाम बोलती हूँ कि इसका नाम क्या है। हम आए हैं गाला युजावा करके, स्की करने के लिए प्लेस है वहाँ पर। जब से हम इसमें एंटर हुए हैं पूरी तरफ हर तरफ बर्फ है, हर तरफ, और दो दो मीटर के लंबे लंबे बर्फ है। और अभी हम बस में बैठ चुके हैं और ये हमें डायरेक्ट वहाँ पर जो स्की वाला माउंटेन है वहाँ पर ले जाएंगे। और देखो ये बाहर के नज़ारे इतने सुंदर है, यहाँ पर दो दो मीटर की बर्फ जमी हुई है पूरी। आपने जोयो तो खबर। और यहाँ पर हम उसकी टिकट वगैरह की लेने के लिए आ गए हैं। और ये देखो ये है ऊपर का पूरा, अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी है। और ये है टिकट काउंटर और यहाँ सब टिकट देख रहे हैं। मॉर्निंग टिकट ले तो 13 बजे और हमने टिकट ले ली है और हम इस रोपवे में जाएंगे। और हम सब ने ये शूज भी पहन लिए हैं। हर तरफ माउंटेन ही माउंटेन। अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है और
बहुत ही बसाया है, बहुत ही। और ये जो देख रहे हो वो पूरा माउंटेन है, और इधर कुछ सारा स्की का और वैसे ड्रो किया हुआ है, और यहाँ से हम जाएंगे अंदर। ये हमारी स्नो बोट आ गई है और अब हम जाएंगे उधर। ये देखो आप, स्नोफॉल हो रहा है। पता नहीं कैमरे में दिख रहा है या नहीं, बाकी बहुत स्नोफॉल हो रहा है। ये है इधर का पूरा नजारा। चलो नीरू आजा, आजा। वो जो आप देख रहे हो वहां पर भी लोग स्की कर रहे हैं, और वहां पर ऐसा होता है कि रोपवे में, ये वाली रोपवे में ऊपर जाते हैं और फिर वहां से उधर से नीचे आते हैं स्की करके। और इधर भी दो तरह के स्की करने के लिए रास्ते हैं, ले लिए हैं सबने, ये देख लो। और हम जा रहे हैं सामने, ये देखो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। अब इस बोर्ड पर मेरी बारी है। जिग्नेश बन रहे कौड़पुर चाहिए लगती है। अवतारियो शुरू कर देते और यहाँ पर हम इतना एंजॉय कर रहे हैं और स्नोफॉल लगातार हो रही है। ये देखो, ये आप देख रहे हो हाथ में, अभी हम जा रहे हैं इस तरह के पीछे बैठने का। ये देखो सामने है, वो पूरा घुमा के लाएगा हमें। 15 मिनट है उसकी, अच्छा 10 से 15 मिनट है ये। हाँ ये वाली है 10 से 15 मिनट, और वो हमें पूरा घुमा के लाएगा, तो हम अभी इसमें जा रहे हैं। ये सामने जो गाड़ी आ रही है हम उसमें बैठने वाले हैं। और अब हमारी बारी आ गए है, तो हम जा रहे हैं उसमें बैठने के लिए। और हमारी सवारी शुरू हो चुकी है और ये बहुत ही फास्ट चल रही है। ये बहुत ही मस्त चल रही है।
एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा रहा है। तो प्लीज मैं रिकमेंड करूंगी कि आप जब भी गाला में आए तो वो वाला एक्सपीरियंस जरूर करें। और अभी हमें थोड़ी भूख लग रही थी तो यहाँ पर गाला का खुद का ऐसे बड़ा सा फूड कोर्ट है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला जो है वो पूरा सिटिंग एरिया है, वहां पर बैठ के आप आराम से खा सकते हो। और इधर भी बहुत सारी ऐसे कॉफी शॉप, टी शॉप वगैरह है, और यहाँ से कुछ आप शॉपिंग भी कर सकते हो। तो अगर आप नॉनवेज खाते हो तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन हम प्योर वेजिटेरियन है तो हमारे लिए फ्रेंच फ्राइज और कुछ एक ही चाय कॉफी वगैरह ऑप्शन में है। तो अभी हम देखते हैं हम क्या लेते हैं। तो हम जाते हैं, मैं सेकंड फ्लोर पर हूँ और मैं आपको फर्स्ट फ्लोर का नीचे दिखाती हूँ। ये पूरा सिटिंग एरिया है खाने पीने का, और इधर भी है। और एक्चुअली हम लोग ऊपर आए थे और जो आप सामने विंडो देख रहे हो, हमें एक्चुअली वहां पर सीट चाहिए थी क्योंकि वहां पर बाहर स्की का नजारा इतना मस्त दिखता है। और मैं अभी ढूंढने निकली हूँ कि एक आधी सीट अगर खाली मिल जाए तो हमारी बारी आ जाए। और फाइनली हमें जगह मिल चुकी है और यहाँ से विंडो से देखो हम बाहर का नजारा देख सकते हैं। तो इट्स ब्यूटीफुल, इट्स नाइस। मारवाना यहाँ पर देखो फोटोग्राफी चल रही है और देखो हमारी फोटोग्राफी ऐसे होती है। ये देखो तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और यहाँ पर गाला में ऐसा था कि 4 बजे वो बंद हो जाता है। तो बस अभी हम बस में बैठे हैं और हमारे जो कार पार्किंग है वहाँ पर हम जाएंगे। और ये जो ट्रिप है वो 2 दिन की है, तो आज का तो हो गया, लेकिन अगर कल की भी ट्रिप आपको देखनी है मेरे साथ, कल का दिन भी, तो मेरे साथ बने रहिए। और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, अगर आप जापान में रहते हो तो प्लीज यहाँ पर एक बार जरूर आए। और हमें भी बहुत मजा आया। और बस अभी हम जा रहे हैं इस जगह को छोड़कर। बहुत बुरा लग रहा है लेकिन क्या करें, छोड़ना पड़ेगा। हाँ क्या करें, थोड़ा बड़ा हमने जेब में भर लिया यादगिरी के तौर पे, बाटली में थोड़ा